पकड़ना, जिसको पकड़ना, जो कमजोर नहीं उसी पकड़ना। अभी संस्कृति बहुत खराब चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव दास, आप देख रहे हैं कुलाज इन्फोटेनमेंट में खट्टा सच। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि सच तो है पर या तो आप तक पहुँचती नहीं, और अगर पहुँचती भी है तो काफ़ी मॉडिफिकेशन के बाद, कुछ और ही फॉर्म में। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है RFID चिप या रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आप में से जो भी RFID के बारे में जानते हैं वो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, बाकी लोग ध्यान से सुने इसके बारे में। हालांकि सुनना सबके लिए ज़रूरी है। RFID चिप या रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये है क्या? आज तक हमने जब भी कोई चीज़ परचेस करने के लिए गया है या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए गया है तो हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इस तरह के कई कार्ड्स लेके जाने पड़ते थे। अगर हम लोग कोई ख़रीदारी करने जाते थे तो आज से कुछ दशक पहले भी हमें कैश लेके अपने साथ घूमना पड़ता था। फिर उसके बाद आया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस तरह के कुछ कार्ड्स, और उसके मदद से हमने ख़रीदारी की। फिर उसके बाद आ गया मोबाइल फ़ोन्स, जिसके बदौलत हम कुछ भी ना लेके सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा ट्रांजेक्शन कर सकते थे। पर आने वाले समय में, आने वाला समय मतलब 5 साल 10 साल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आने वाले कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में या 1-1.5 साल में ऐसा एक चिप आने वाला है जो कि आपका सारा कुछ वही होगा। आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, हर चीज़ सिर्फ वो चिप ही होगा। जो चिप का साइज एक चावल के दाने से थोड़ी ही बड़ी या लगभग आपके चावल के एक दाने के ही जैसी होती है, लगभग 15 mm, ये चिप लगता है आपके अंगूठा और फर्स्ट फिंगर के बीच में, इस जगह में। ये सारी कहानी सुन के कहानी की तरह ही लगेगी, या फिर ऐसा लगेगा कि ये कोई हॉलीवुड मूवी का बात मैं कर रहा हूँ, मगर आपको जान के हो सकता है हैरानी हो कि ये चिप लगना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन में ये लग रहा है काफ़ी समय से। स्वीडन का एक कंपनी एपी सेंटर अपने इम्प्लॉयज़ के ऊपर ये चिप लगा चुके हैं, और उनका इम्प्लॉयी इसके द्वारा अपना कंप्यूटर अनलॉक करते हैं, अपना अटेंडेंस देते हैं, उनका एंट्री और एग्ज़िट ये चिप के माध्यम से ही होता है। ये चिप का बहुत सारा सुविधा है, मगर हम इसके सुविधा के साथ साथ इसका डार्क साइड के बारे में भी बात करेंगे। तो अब आते हैं इसका डार्क साइड में। क्या है इसका डार्क साइड? मान लीजिए ये एक चिप जो आपके बॉडी में इंजेक्ट किया हुआ है, आपके बॉडी में लगा हुआ है, यही चिप आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हर एक चीज़ हो जाता है। और उसके बाद आप अपना सारा ट्रांजैक्शन, रोज़ की ख़रीदारी, हर एक चीज़ इसी चिप के द्वारा करते हैं, तो क्या हो सकता है? ये चिप को कंट्रोल करने वाला या तो कोई कंपनी होगा जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होगा, या फिर गवर्नमेंट डायरेक्टली होगा। ये दोनों में से कोई ही ये चिप को देख रेख करेंगे आपके बॉडी में जो भी लगा हुआ है। अब आप कुछ भी खरीदने गए और पता चला कि आपका ये चिप काम करना बंद कर गया है और आपके पास कैश नहीं हो, तो क्या होगा? आज आपके पास कैश है। ये जो हमारा सोसाइटी है, ये सोसाइटी अभी तक कैशलेस नहीं हुई है, यहाँ पे अभी तक कैश चल रहा है। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं या तो कार्ड से, अगर कार्ड काम ना करे तो आप कैश दे के खरीद लेते हैं। मगर ऐसा एक सिचुएशन हो कि आपके पास कैश बिल्कुल है ही नहीं, जिस दौड़ पे हम लोग ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इंडिया कैशलेस की तरफ जा रहा है। सिर्फ इंडिया क्यों, पूरा दुनिया ही कैशलेस की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे कैश कम होते जा रहा है और आपके पास सिर्फ वर्चुअल मनी रह रहा है, कार्ड की फॉर्म में या आपके अकाउंट में जो दिखा रहा है वो एक नंबर। मान लीजिए आपके पास आज 1 करोड़ रुपया हो या 10 करोड़ या 100 रुपया हो, कोई भी एक अमाउंट हो जो कि आपके अकाउंट में है पर आपके जेब में नहीं है, और आपका ATM ब्लॉक हो चुका है, तो फिर आपके पास क्या पैसा है? कुछ भी नहीं। अगर आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि टोटली कैशलेस सोसाइटी तैयार हो जाए, जहाँ पे कैश की कोई बात ही ना हो, टोटल बात कार्ड से ही हो, और वो कार्ड हो सिर्फ RFID चिप, और उस समय में आप कोई भी चीज़ खरीदने गए और आपका चिप ब्लॉक हो चुका है, अब आप उसको कैश देकर नहीं खरीद सकते क्योंकि कैश तो है ही नहीं,
अभी का सिनेरियो में क्या है कि आपके पास कैश नहीं है, तो आप किसी दोस्त से उधार ले सकते हैं 2,000-10,000, और आप डेली का जो खर्च है उसको चला सकते हैं। पर अगर ऐसा हो कि कैश है ही नहीं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपको जो भी करना है चिप से ही करना है, तो आप करेंगे कैसे? अगर आप किसी दोस्त से उधार भी लेंगे तो वो आपके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि कैश है नहीं, तो कैश आपको वो दे नहीं सकता है। मगर आपका कार्ड तो काम ही नहीं कर रहा है, आपका चिप तो काम ही नहीं कर रहा है, तो वो आपको देगा कैसे? तो यहाँ सोचने की बात यह है कि उस टाइम में आपका हर एक लेन देन ब्लॉक हो चुका होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि आपका रोज़ की जो ज़रूरत की सामान है वो भी आप नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आपका चिप, आपका कार्ड काम नहीं कर रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? फिर आप मजबूर हो जाओगे जाने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास कि मेरा चिप काम नहीं, क्यों नहीं काम कर रहा है, ये जानने के लिए। और वो आपसे कहेंगे कि सर आप 2 दिन के बाद आइए, 4 दिन के बाद आइए, जैसा कि अभी सिम कार्ड में होता है कि 24 घंटे में ठीक हो जाएगा, 72 घंटे में सिम ठीक हो जाएगा, 48 घंटे में ठीक हो जाएगा, इसी तरह का कुछ कंडीशन हो सकता है। अब ये कंडीशन होगा कैसे? दो सिनेरियो में ये कंडीशन हो सकता है। एक, आपका चिप इलेक्ट्रॉनिकली अगर ख़राब हो जाए तो ये समय लग सकता है, उस टाइम में तो आप प्रॉब्लम में आओगे ही। और दूसरा कब हो सकता है कि अगर आपने अथॉरिटी के खिलाफ कुछ बोला, अथॉरिटी कौन? अथॉरिटी दो जन हो सकता है, या जो आपका चिप को देख रेख कर रहा है, जो भी कंपनी, जो गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी होगी और वो आपका बॉडी में लगा हुआ RFID चिप की देख रेख करेगी, वो कंपनी, या फिर डायरेक्टली गवर्नमेंट, ये दोनों में से कोई है। ये दोनों के खिलाफ अगर आपने कुछ बोला या आपका कोई भी एक्टिविटी जो उन लोगों को पसंद नहीं आती है, और वो चाहे तो अपनी मर्जी से आपके चिप को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर ब्लॉक हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे और कहेंगे कि सर मेरा तो ये चिप काम नहीं कर रहा है, तो वो कहेंगे कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर अगर ठीक नहीं होता है तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप पूरी पूरी, सुनने में ये अजीब लगेगा, पर वर्चुअली आप एक गुलामी की जगह पे चले जाएंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप टोटली उनके हाथ के अंदर आ जाते हैं। मैं इतने देर से जो भी बोल रहा हूँ इसी टॉपिक को समझ चुके थे एक फिल्म डायरेक्टर जिनका नाम है डेविड क्राउली। बात करेंगे उनके बारे में अब हम। डेविड क्राउली एक फिल्म बना रहे थे जो कि कोई नॉर्मल फिल्म नहीं थी, ये एक डॉक्यूमेंट्री थी। और डॉक्यूमेंट्री के बारे में अगर हम विकिपीडिया से जानेंगे तो डॉक्यूमेंट्री एक नॉन फिक्शन मूवी होती है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोच के हिसाब से ही कोई मूवी नहीं बनाता, वहाँ पे कुछ रियलिटी के ऊपर बेस करके मूवी बनती है। ऐसी ही एक मूवी थी अ ग्रे स्टेट। तो आइए हम देखते हैं अ ग्रे स्टेट का कुछ क्लिपिंग, समझते हैं डेविड क्राउली हमें क्या बताना चाह रहे थे। ट्रेलर के पहले सीन पे हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक फैमिली है जिनके ऊपर, जिनके प्राइवेट लाइफ के ऊपर CCTV सर्विलियंस हो रही है। इस सीन पे हम लोग देख रहे हैं कि फ्री RFID चिप, इसकी एक एड है। इस सीन में हम लोग देख रहे हैं कि RFID चिप को इम्प्लांट किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वही चिप जो हाथों में लगाया गया था, ह्यूमन बॉडी पे इम्प्लांट किया गया था, वही चिप को यहाँ पर मॉल या कोई दुकान में स्कैन करके आप परचेसिंग कर रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इनका चिप काम नहीं कर रहा या डीएक्टिवेट हो चुका है। एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है शटडाउन। अब मौजूदा परिस्थिति को समझ के अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो समझ में आता है कि अगर हम शट के जगह पे लॉक लगा दे तो वर्ड आता है लॉकडाउन, जो प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। न्यूज चैनल पे ये हेडलाइन बन रहा है मार्शल लॉ डिक्लेयर्ड। इस सीन में दिखाई दे रहा है शॉप आउट ऑफ स्टॉक। इस सीन में हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग ये नियमों को पालन नहीं कर रहे या इनके खिलाफ जा रहे, इनका अपोज कर रहे, उन लोगों को एक फोर्स आती है जिनका नाम दिया गया है यहाँ पर FEMA। ये फोर्स आती है और जो लोग ये नियमों का पालन नहीं कर रहे, जो अपोज कर रहे, उनको मार रहे हैं।
आपने ये ट्रेलर का कुछ क्लिप देखा। अब ये ट्रेलर का जो डायरेक्टर थे डेविड क्रावली, इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। डेविड क्रावली जब ये फिल्म बना रहे थे अ ग्रे स्टेट, जब इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ, रिलीज़ होने के बाद से ही इनके ऊपर काफ़ी सारे प्रेशर आने लगे गवर्नमेंट की तरफ से और भी कुछ तरफ से। अब ये प्रेशर आने के बाद वो ये फिल्म को फिर भी कंप्लीट कर रहे थे और एक अलग जगह में जाके बस गए। पर जब ये फिल्म कंप्लीट हो चुका और उन्होंने अनाउंस की कि ये फिल्म रिलीज़ करने वाले हैं, तभी डेविड क्रावली, उनकी वाइफ और उनकी 4 साल की बेटी, तीनों का मर्डर हो जाता है एक ही दिन में। और ये केस आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के तौर पे ही है। अगर ये फिल्म में कुछ भी सच्चाई नहीं थी और इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे किसी को प्रॉब्लम हो, तो फिर ये मर्डर्स हुए क्यों? यहाँ एक सोचने की बात है। अब ये तो रही एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में, एक फिल्म के बारे में और मेरी सोच के बारे में, पर 1960s में, 1960 साल में डॉक्टर जोस डेलगाडो, इन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक रिसर्च किया कुछ बुल्स के ऊपर। इन्होंने बुल्स के सर पे ये चिप लगाया और रेडियो फ्रीक्वेंसी से उनको कंट्रोल किया। और यही नहीं, इन्होंने फिर बिल्लियों के ऊपर भी ये किया और देखा गया कि जैसे ही वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो बिल्लियों को गुस्सा भी ज़्यादा आता है। तो क्या ये चिप के द्वारा हमारा माइंड को भी कंट्रोल किया जा सकता है? ये भी सोचने की बात है। और इसके अलावा भी एक और बात है, सर्विलियंस। RFID चिप के द्वारा सर्विलियंस किया जाता है, ये बिल्कुल सही खबर है। ये चिप लगा के जाना जा सकता है कि जिसके ऊपर ये चिप लगा हुआ है वो उसका एक्टिविटी कहाँ है, क्या है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ गया है, ये सब हम लोग जान सकते हैं। तो क्या हमारा आइडेंटिफिकेशन, हमारा प्राइवेसी पूरा पूरी सिक्योर है ये चिप लगने के बाद भी? ये भी एक सोचने का मुद्दा है। चलिए, ये सारे मुद्दे के बाद जो सबसे बड़ा चीज़ आता है, हमने बात की ऑस्ट्रेलिया की, हमने बात की स्वीडन की, पर इंडिया में इसका भविष्य क्या है? क्या इंडिया में भी ये आ सकता है? ये बात जानने के लिए मैं दो चीज़ों का मदद लूँगा। पहला, आप देखिए जी न्यूज़ का ये क्लिप। कुछ वर्ष पहले तक आपको किसी चीज़ की कीमत चुकाने के लिए या खरीदारी करने के लिए कैश लेकर चलना पड़ता था, नकद पैसे की जरूरत होती थी। लेकिन उसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स आ गए और अब आप अपने मोबाइल फोन की मदद से बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि भविष्य में ऐसा करने के लिए आपको मोबाइल फोन्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपके शरीर में ही एक ऐसा चिप लगा होगा जो आपका क्रेडिट कार्ड भी होगा, डेबिट कार्ड भी, NFC सपोर्ट भी और ऑफिस का पंचिंग कार्ड भी होगा। इसका इस्तेमाल इंसानों पर किया जा रहा है जो इंसानों को मशीन में तब्दील कर रही है, मशीनों में बदल रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में दुनिया की ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा चिप अनिवार्य कर दें। यहां तक कि कंपनियां आपके स्वास्थ्य पर भी नजर रख पाएंगी, लेकिन कई एक्सपर्ट्स की नजर में इससे कर्मचारियों की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी और ये सैद्धांतिक रूप से सही नहीं होगा। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में इंसानों और मशीनों का ये कॉम्बो एक सुखद अनुभव होगा या फिर एक खतरनाक भविष्य की शुरुआत? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भविष्य में सिर्फ आपका शरीर ही मशीन नहीं बनेगा, बल्कि आपका दिमाग भी मशीनों के जरिए कंट्रोल किया जा सकेगा। दूसरा, आपने जी न्यूज का क्लिप देखा। अब दूसरा जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ ये है हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी का एक ट्वीट। आप गूगल में जाके खोज सकते हैं, ट्विटर में जाके देख सकते हैं कि ये सच है या नहीं। ये ट्वीट भी आप देखिए। तो इस तरह से एक क्वांटम टैटू के नाम से ये चिप आ रहा है जो कि आपका हेल्थ का सारा डेटा को रखेगा। पर क्या ये सिर्फ हेल्थ डेटा तक ही सीमित रहेगा? मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, ये हेल्थ डेटा तक ही सीमित रहे। पर अगर इससे ये आगे बढ़ा तो क्या हो सकता है? ये सोचने का वक्त है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।